हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से पीसी फीफा 21 मैनेजर करियर मोड में। ये क्रिस्टल पैलेस का मैनेजर करियर मोड है दोस्तों, थर्ड सीजन और आखिरी सीजन। ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, एफए कप का मैच, फाइनल मैच है ये। हमने अधिकतम मैच सिम किए और कुछ ऑफलाइन खेले। हमारी पूरी सेकेंडरी टीम होगी, कोई भी मेन प्लेयर नहीं होगा इस टीम में, सिर्फ एक को छोड़ के, मतलब हमारे गोलकीपर थॉमस त्रिको से। बाकी पूरी की पूरी टीम बैकअप वाली होगी, सिल्वा भी और सेंट्रल मिड सब कुछ बैकअप प्लेयर्स होंगे। देखते हैं इस मैच में क्या हो पाता है। चेल्सी के अगेंस्ट है एफए कप का मैच, वो पूरी मेन टीम की तरह है। हाँ, पूरी मेन टीम है चेल्सी की लगभग। मैच चालू होते हुए दोस्तों एफए कप फाइनल मैच अगेंस्ट चेल्सी, देखते हैं इस मैच में क्या हो पाता है। काफ़ी बेहतरीन टैकल, बेहतरीन पास था ये, बहुत देरी, काफ़ी अच्छा मौका है जोंबे, शायद नाम में थोड़ा गलत रहा ले रहा होगा। ये जापानी यूथ प्लेयर है हमारे, पिछले सीजन जो आए थे मैंने उन्हें किसको ट्रांसफर बजट के लिए बेचा था, काफ़ी अच्छी वैल्यू मिली थी हमें, इसलिए मैंने बहुत से जापानी यूथ प्लेयर को बेच दिया था। इसलिए इस सीज़न कोई भी आपको पिछले सीजन के मुकाबले कम ही दिख रही होगी, मतलब ये इकलौते हैं अभी इस वक्त, इकलौते नहीं है, दो तीन है। बेहतरीन पास, ओ तेरी, काफ़ी बेहतरीन मौका है अब, ओ हो, कमाल का गोल ये, शायद से कौन है देखते हैं, एलान है शायद से, हाँ एलान है गोल करने वाले प्लेयर। बेहतरीन पासिंग टेक्निक्स थी, बहुत ही बेहतरीन पासिंग टेक्निक्स, पूरी सेकेंडरी लाइन अप थी, अलग अब हमारे सेकेंडरी लाइन अप थ्री प्लेयर है, ओहो यानी बी लाइन अप, ओह बेहतरीन गोल ये, कमाल की पासिंग के साथ, वो कमाल की पासिंग और उतना ही कमाल का गोल, धज्जिया उड़ गई चेल्सी की टीम से। तो आपके पास बॉल है दोस्तों, देखते क्या हाथ पास क्लब, इज़ा मोरी को पास किया, इज़ा मोरी ने सिल्वा को, सिल्वा ने अच्छा पास दिखाया, फिर से सिल्वा के पास बॉल है, सिल्वा देखते क्या कर पाते, शूट मारा सिल्वा ने लेफ्ट की गई, पर केप्पा अल्कांतारा का अच्छा सेव, बेहतरीन सेव ये केप्पा का, लेकिन अच्छा शूट मारा था सिल्वानी, गोल आ चुका है कॉर्नर के जरिए, मैंने सोचा नहीं था ये गोल आएगा, वो तेरी कमाल का गोल क्रॉस के जरिए, अच्छा क्रॉस था, मतलब कॉर्नर के वक्त, ओह देखते किसने मारा, नंबर वाइज मुझे दिखाने शायद से बास्तो नहीं थे या सिल्वा थी, हाँ शायद से सिल्वा का ही है ये गोल, नंबर दिखना नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता कौन सा प्लेयर है, गोल गोल स्क्रीन पे जो नाम आता है वो मैं उस पर ध्यान नहीं देता, हाँ सिल्वा ही दिख रही है। तो बेहतरीन गोल सिल्वा का, आंद्रे सिल्वा सेकंड में फर्स्ट गोल एफए कप का, इस मैच का सेकंड गोल था वो, तो देखिए अब क्या हो पाता है। ओह काफ़ी अच्छा मौका है, ओह बेकार था ये शूट, काई हैवर्स का अच्छा मौका था, काई हैवर्स के पास शूट करने का, अच्छा गोल करने का, पर बेकार शूट कर दिया उनके राइट फुट, मतलब वो देखते क्या हो पाता है, का है उसके पास फिर से बॉल है, देखते क्या हो पाता है, ओ तेरी का है वो अगेन ले बॉल ले जा रहे, टैकल करने की कोशिश की उनके ऊपर, फिर से अच्छा शूट था पर सीधा थॉमस त्रिको से के हाथ में चला गया, जो हमारे इस मैच में भी कैप्टन है, एन्गोलो कांटे माय फेवरेट प्लेयर, बॉल को ले जाते हुए, ओ तेरी टीम ओनर को पास किया, टैकल करने की कोशिश की, ऑफ साइड चले गए। एन्गोलो कांटे मेरे सबसे फेवरेट प्लेयर है, मुझे फॉरवर्ड प्लेयर उतने पसंद नहीं आते दोस्तों, सिर्फ एक ही मेरा पसंदीदा प्लेयर है फॉरवर्ड के तौर पे, वो है ज़लातन इब्राहिमोविच और रोनाल्डो नेमार और मेसी, मुझे सिर्फ पसंद है, फेवरेट नहीं है, इज्जत करता हूँ मैं उनकी, सिर्फ एन्गोलो कांटे, ज़लातन इब्राहिमोविच, केविन डी ब्रुइने और है मतलब मैड्रिड के फेडरिको वैलोरेंते, ये प्लेयर्स मुझे काफ़ी पसंद है, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है ये मेरे। देखते हैं सेकेंड हाफ में क्या हो पाता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा रहा था, अच्छा मौका है फ्रेंक के पास, इसका नाम मैं कैसे गलत ले रहा हूँ फिर भी माफ़ कर देना, ओह काफ़ी बेहतरीन पास था, ओह बहुत तेरी, ओह ये क्या था, ये क्या था, मेरे बॉल रुक गया था, चलती प्लेयर्स को क्लियर कर देनी चाहिए थी बॉल, और शायद से क्लियर कर नहीं पाए, सिर्फ पास किया उन्होंने और वही चुन दिया मैनेजर ने और रोक लिया और गोल मार दिया, फिर देखते किस तरह से
फ्रैंक ने अच्छा पास किया एलान में, वो पहले बॉल मिस कर गए थे, छीन ली थी बॉल, क्लियर करने में नाकामयाब रहे थे। रिटर्न जेम्स है दोस्तों, राइट बैक चेल्सी के, जानते हो देखो, ओहो गलत क्लियरेंस थी उनकी, क्लियर ठीक से नहीं कर पाए। सेकेंड गोल मैक्सिमिलियन मायर का, शायद से मैं अगला सीजन प्रोफेशनल डिफिकल्टी पे खेलूँगा, इसका मुझे कुछ खास पता नहीं, पर शायद से हाँ मैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करता हूँ, हर दिन प्रोफेशनल डिफिकल्टी या लेजेंडरी डिफिकल्टी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मतलब खेलना तो मुझे आता है, मतलब कमेंट्री की प्रैक्टिस करता हूँ मैं उसको। ओहो जमोरी के पास बॉल है, जमोरी शूट किया पर ऑफ टारगेट रहा, इतना बेकार शूट हमारे यूथ प्लेयर की ओर से, सोचा नहीं था इतना सामने चाहिए, वो इतना बेकार शूट था, ये बता नहीं सकता, बहुत बेकार था। ओहो हो देखते हैं क्या कर पाते, चिलविल बैंक चिलविल फिरपो, कौन से जूनियर फिरपो नहीं लग रहे मेरे को, मैं पैसा नहीं सकते ये जूनियर फिरपो है, पर कोई और है, बार्सिलोना वाले जूनियर फिरपो नहीं है वो, मैं पहले वही समझ जाता उन्हें फिरपो का नाम सुन के, पर बाद में मैंने ध्यान से चेक किया तो वो दूसरे वाले फिरपो है। ओहो जॉन डेली के पास बॉल, अच्छी थ्रू बॉल थी, अब देखते क्या कर पाते, वो काफ़ी अच्छा बॉल निकाला है, शूट करने की कोशिश, ब्लॉक किया चेल्सी डिफेंस ने, वो काउंटर पे, ओहो बहुत ही अच्छा मौका है, टीमो वर्नर के पास बॉल है, ड्रिबल कर रहे हैं वो, काफ़ी अच्छी ड्रिबलिंग की उनकी, ओ सीधा हाथ में दे मारा थॉमस त्रिकोसे के, ओह काफ़ी अच्छा ब्लॉक, बेहतरीन पास, और देखते हैं अब क्या हो पाता है, फ्रैंक अगर मैं नाम ठीक से ले रहा हूँ तो, काफ़ी अच्छा शूट था पर पास भी बहुत अच्छा था, सॉरी क्रॉस बहुत अच्छा था दोस्तों, मैं पास बोल रहा हूँ उसे, क्रॉस था वो, पर शूट उतना अच्छा नहीं ले पाया, सीधा केपा के हाथों में दे मारा, केपा की अच्छी गोलकीपिंग नहीं कर पा रहे चेल्सी के लिए, ओरिजिनली तो उन्हें बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं, एलवान मेंडी की फर्स्ट लाइन अब गोलकीपर बन चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी गोलकीपिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे गोलकीपर बन चुके हैं एलवान मेंडी, और शायद से सबसे ज़्यादा क्लीन शीट उन्होंने ही रखी है कि आपने क्या बोलते हैं एलिस एरिक्सन के बाद, जो मैनचेस्टर सिटी के प्ले गोलकीपर है उनके पास सबसे ज़्यादा क्लीन शीट शायद से मेंडी के हैं, उस वजह से चेल्सी काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, सबसे ज़्यादा सेव निकालने वाले प्लेयर्स में थे एलवान मेंडी, काफ़ी अच्छा रहा ये सीजन भी, वो एफ ए कप तीसरे टाइम मतलब एफ ए कप जीतने की भी हैट्रिक मार चुकी है क्रिस्टल पैलेस, उसके पहले कैराबाओ कप जीतने की हैट्रिक मार चुकी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो में कमेंट करना हमें अगले सीजन किस टीम के लिए जाना चाहिए, तो मैं तो लायंस के लिए जाऊँगा, मैं लास्ट आप एपिसोड में बताऊँगा मैं किस वजह से जाना चाहता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा जानकारी दूंगा शायद से, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ लायन के बारे में, लीग वन के बारे में, मैं देखता नहीं हूँ लीग वन को उठता, सिर्फ पी एच डी लाइव लायन की वजह से जानते हैं सब, लीग वन को बहुत कम लोग देखते हैं इंडिया में, बहुत ही अच्छी चैंपियनशिप रन था, सबसे ज़्यादा कंप्लीटली लीग शायद से बुंदेसलीगा और प्रीमियर लीग ही है, काफ़ी अच्छी रही है चैंपियनशिप विक्ट्री क्रिस्टल पैलेस के लिए आखिरी सीजन की, लेकिन लास्ट एपिसोड है आखिरी सीजन का दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में जो इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा यानी क्रिस्टल पैलेस का लास्ट एपिसोड होगा, इसके बाद से लायन के करियर में एपिसोड चलेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना हमें क्या करना, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।